जबलपुर में कोरोना महामारी के बीच अचानक अपराधों का ग्राफ बढ़ने लगा है। संस्कारधानी में पिछले 48 घंटों में हत्याकांड की 4 घटनाएं सामने आई हैं, जिससे न सिर्फ पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है, वहीं शहरवासियों में भी दहशत नजर आ रही है। हत्याकांड का ताजा मामला भेड़ा घाट पुलिस थाना क्षेत्र का है, जहाँ लम्हेटा घाट स्थित परमहंस आश्रम के पास 4 आरोपियों द्वारा युवक स्वदीप पटेल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया है। गंभीर रूप से घायल स्वदीप को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये लम्हेटा घाट की घटना है और लम्हेटा घाट में जो परमहंस आश्रम है उस रोड पे ये घटना घटित हुई रात को 11 बजे, जिसमें कि मृतक है स्वदीप पटेल, पिता दीपक पटेल, 22 वर्ष उम्र है, और इसके और जो आरोपी पक्ष है उसके बीच में रेत के व्यवसाय को लेकर के विवाद हुआ, और इसमें आरोपी 4 लोग बने हैं, जिसमें कि एक बरेला निवासी अमित सोनकर है, और दूसरा है दुर्गेश झारिया, तीसरा आरोपी है तारेंद्र लोधी, और चौथा आरोपी है पवन सोनकर।